हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी है और उसी को हम बुरी खबर भी कह सकते हैं। कैसे? तो अभी कल एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो इन्होंने एक नोटिस निकाला और उसमें सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। और उसमें ये कह दिया गया है स्पष्ट रूप से कि अब वो बच्चे जो कि बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि बीटेक बीएड वालों के लिए फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करते थे, मतलब आपका दो सेमेस्टर हो जाता था, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने कह दिया है कि चाहे डीएलएड है, चाहे बीएलएड है, चाहे बीएलएड है, चाहे बीएड है, किसी भी एजुकेशन के आप कोर्स कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है, कोई भी डिप्लोमा है, तो उसके लिए आप सीटेट या टेट, जो स्टेट का होता है, जैसे यूपी का हो गया तो यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, ठीक है, तो कोई भी टेट है या सीटेट है, तो उसमें अब आप एलिजिबल हो गए। फर्स्ट जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आप सीटेट के लिए, टेट के लिए एलिजिबल होते हो। तो जैसे कि एग्जांपल तौर पर बताता हूँ, जैसे 2022 में आप लोगों ने इंटरेस्ट दिया है और आप लोग अब अपना एडमिशन ले लोगे काउंसलिंग के थ्रू, उसके बाद आप स्टेट का तो फॉर्म निकल ही जाएगा, लेकिन यूपी टेट का फॉर्म बचेगा, तो यूपी टेट का जैसे फॉर्म आएगा तो उसको आप भर सकते हो, ठीक है, बिना एग्ज़ाम दिए, आप अपने सेमेस्टर का बिना एग्ज़ाम दिए आप एलिजिबल हो, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो ये तो एक अच्छी खबर भी है उन बच्चों के लिए जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं, बीएड में अपना एडमिशन लोगे आप लोग, उनके लिए तो ठीक है, अच्छी खबर हो सकता है। लेकिन बुरी खबर उनके लिए है जो 4 साल से 5 साल से सीटेट क्लियर करके बैठे हैं, क्योंकि वैकेंसी, आप लोगों को पता है कि वैकेंसी आई नहीं, उस वजह से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे इस बार जो फॉर्म डलेगा ना, इस बार जो फॉर्म डलेगा वो डलेगा कम से कम 35 से 40 लाख फॉर्म डलने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि अमूमन सीटेट में 20 लाख से ऊपर ही होता है, तो इस बार डबल हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि हमेशा ये हुआ करता था कि फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं डालते थे क्योंकि एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। और जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो उसके लिए दो सेमेस्टर चाहिए कन्फर्म, दो सेमेस्टर आपने क्लियर कर चुका। यही एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन पास हो गया होगा और अब सभी लोग एलिजिबल हो। जैसे ही आप लोग बीएड, डीएलएड या बीएलएड में एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप सीटेट और एसटेट दे सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन था, क्लियर इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो जो एनसीटीसी ने निकाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।